ऐसे गावन थोड़ी था, ऐसे समर्थी का कोई बंधे हुए ऐसे थोड़े सोने की लंका बना कर रामन ने साइकिलों से वार किया। ओ तुम नौकर हो, दास, स्लेव, आर यू सर्वेंट? अरे मैं तो सोचा था मेरे बेटे अक्ष कुमार को मार दिया, हिंद केसरी होगा, कहीं का राजा होगा, कहीं का सिंहासन का अधिपति होगा, पर तुम एक दास हो, नौकर हो। फिर साइकोलॉजिकल वार किया। हमारे जैसे लोग होते तो धीरे से कह देते, सिपाही जी होते तो कहते थे माई जी, दरोगा जी होते तो कहते थे हम एसपी, और हम अगर मुनीम होते तो कह देते कि हम जनरल मैनेजर हैं। हम जरूर पढ़ा के कहते, पर वहां हनुमान जी बैठे हुए, हनुमान जी के ऊपर मनोवैज्ञानिक वार करता है रावण, और पुनः देखते हैं चूड़ामणि की ओर कि हे गुरुदेव भगवान, एक और प्रश्न आ गया है, हे माता जानकी, एक और प्रश्न। माता ने पुनः प्रबोध दिया, और अब की बार जो हनुमान जी ने जवाब दिया, दोनों मुट्ठियां भींची, हाथ ऊपर उठाया, कहा सुन रावण, तू काम का दास, तू चाम का दास, तू नाम का दास, तू दम का दास, तुझसे तो अच्छा मैं श्री राम का दास। इस दुनिया में दासत्व तो करना पड़ेगा, चाहे काम की करो, काम का अर्थ है डिजायर, चाहे काम की करो, चाहे चमड़े की करो, गुलामी तो सभी कर रहे हैं कहीं ना कहीं, पर जीवन उसी का धन्य है जिसने राम का दास होना स्वीकार किया, जीवन उसी का धन्य है जिसने श्री कृष्ण का दास होना स्वीकार किया। इसलिए जीवन में दासता ही लेनी हो तो श्री राम श्री कृष्ण की लेना, संत की लेना, महंत की लेना, गुरु की लेना, ज्ञानी की लेना, भक्तों की लेना, इनका दासत्व अच्छा है, बाकी दुनिया में दासत्व कहीं ना कहीं करना पड़ेगा और जिंदगी बेजार हो जाएगी। अंतिम बात ये कहते हुए, विश्वास की भूमि है, जाकिर नायक ने सवाल उठाया था।